हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। पार्ट 6 ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे द केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। राइट, तो स्टार्ट करें लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वो रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, जो एल्काइल हैलाइड आपका कंपाउंड है वो किस टाइप की रिएक्शन, मतलब एक टाइप, नंबर वन टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी दो पार्ट होते हैं, आपको पता है SN1 एंड SN2, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट से, विच इज SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं कैसे होता है ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए ये है एल्काइल हैलाइड, आपने लिया। इस एल्काइल हैलाइड की वाटर के साथ, या हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, या हम बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट, क्या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। राइट, मतलब एक जनरल रिएक्शन तो ऐसे होती है। अगर हमें इस रिएक्शन को डिटेल में समझना हो तो हमें इसकी मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। राइट, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करें कि कैसे जो है ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है वाटर। तो नंबर वन स्टेप हम डिस्कस करते हैं इसका। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका है सबस्टेट जो एल्काइल हैलाइड है आपके पास। RDS स्टेप में जो BR आपका ग्रुप है एज ए लिविंग ग्रुप, इस सोल्यूशन, इस सबस्टेट से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब इसके रिमूव करने के अब दो रीज़न होते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया, आपने मान लिया, कुछ तो फैक्ट होता होगा ना, कुछ तो लॉजिक होता होगा। BR रिमूव क्यों हुआ, देखो फर्स्ट थिंग, इस रिएक्शन में हमने ले रखा है वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एज ए सॉल्वेंट क्या करता है, वाटर क्या बोलता है, देखो वाटर क्या बोलता है, जैसे ही रिएक्शन होती है वाटर बोलता है कि अरे एल्काइल हैलाइड सुनो। एल्काइल हैलाइड ने बोला हाँ सुनाओ क्या बोलना है। उसने कहा कि तू ना ऐसा कर, अपना ब्रोमीन बाहर निकाल दे। ब्रोमीन, एल्काइल हैलाइड ने पूछा क्यों, वाटर ने बोला कि तू अगर ब्रोमीन को बाहर निकालेगा तो मैं तुझे स्टेबल करूँगा, मैं तुझे क्या करूँगा, स्टेबल करूँगा। अब ब्रो एल्काइल हैलाइड को लगा कि अरे मुझे वाटर क्या करेगा, स्टेबल करेगा, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हो वो सिर्फ किसके लिए होती है, स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो एल्काइल हैलाइड ने थोड़ी देर तो सोचा कि क्या करना चाहिए, फिर उसने बोला कि चलो निकाल के देखते हैं, वाटर बोल रहा है इतना अच्छा मेरा दोस्त है तो ज़रूर मुझे स्टेबल करेगा। तो उसने क्या किया, ब्रोमीन को, समझने के लिए चीज़ें स्टोरी सुना रही हूँ आपको, ठीक है। उसने क्या किया, अपने ब्रोमीन को बाहर निकाला। जैसे उसने अपने ब्रोमीन को बाहर निकाला, उसके पास एक कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बन गया। राइट, अब एल्काइल हैलाइड ने बोला कि देखो तूने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस तोड़ मत देना। तो वाटर ने बोला नहीं, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। वाटर सराउंडिंग में आके यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए, और ये जो एल्काइल हैलाइड है क्या करता है, अपना ब्रोमीन जो है वो रिमूव कर देता है, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट होता है, या हम ये बोलते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है लिविंग ग्रुप के रिमूव होने को, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन को। राइट, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में सिंपली BR जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपको कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट आपको रिएक्शन में मिल जाएगा।
मतलब एल्काइल हैलाइड ने वाटर की बात मानी, वाटर ने भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, उसने उसको स्टेबल कर दिया। और कैसे किया? क्योंकि जब वाटर सराउंडिंग में आ जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के पास, तो हाइड्रेशन एनर्जी को वो रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से उसको कंपाउंड को क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। बात समझ आई? कोई डाउट नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाता है। राइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। कोई भी रिएक्शन आ जाए, जहाँ भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो अभी तो हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो फास्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप नहीं होगा, उसमें वाटर जो है वो अटैक करेगा। वाटर अटैक करेगा, वाटर के पास है लोन पेयर, मतलब जो सॉल्वेंट फेवर कर रहा था लिविंग ग्रुप के रिमूव करने को, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने को, वही वाटर क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में अटैक करेगा। हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है वो ही किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। तो जैसे वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स जो है वो मिल जाएगा आपको। राइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए ये जो हाइड्रोनियम आयन जैसा कॉम्प्लेक्स बना, अब ये इस टाइप से तो स्टेबल होता नहीं है, तो यहाँ से H जो है वो बाहर निकलेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, और फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन थी, पहले आपको ब्रोमीन को रिमूव करना है, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट, देन वाटर का अटैक करके आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कोई डाउट? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप प्लीज़ एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे जल्दी से बताइए। वीडियो को पॉज करके कर लो सॉल्व जल्दी जल्दी, फिर मैं सॉल्यूशन, चलो करें स्टार्ट सॉल्यूशन। पहले आपने क्या किया, ब्रोमीन को बाहर, पहला स्टेप तो करना ही है, ब्रोमीन को बाहर, कार्बोकेटाइन बन गया। अब देख लो कि कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल है, क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो मैंने देखा कि मुझे लग रहा है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो कार्बोकेटाइन है, अभी जो कार्बोकेटाइन आपको मिल रहा है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 3। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है विद द अल्फा हाइड्रोजन 3। राइट, अगर मैं इसमें 1-2 मिथाइल शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से मिथाइल को इस पोजीशन पे शिफ्ट करूँ, तो जो कार्बोकेटाइन नया जनरेट होने वाला है वो कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन के 7 नंबर से स्टेबल हो जाता है। तो हमने अगर स्टेबिलिटी को इनक्रीज़ किया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को इनक्रीज़ किया, दैट मीन्स हमने रीअरेंजमेंट सही किया है, जो हमने किया है वो सही है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कंपाउंड में। राइट, अब रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, बस सिंपली वाटर आएगा, वाटर अटैक करेगा और इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एनी डाउट? वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस रिएक्शन का, रिएक्शन कोऑर्डिनेट विद द एनर्जी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक ग्राफ हमें दिख रहा है, फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का पैटर्न जो है वो मिल रहा है हमें। राइट, तो यहाँ पे कैसे बताया हुआ है, देखो ये फर्स्ट जो है ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे तो नॉर्मल स्टेट होगी। ये क्या होती है, जो पीक वाली वैल्यू होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। ये वो ट्रांजिशन स्टेट है जब ब्रोमीन जो है वो आपके एल्काइल हैलाइड से रिमूव कर रहा होगा, मतलब जब बॉन्ड जो है कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में जब वीक हो रहा होगा ना, इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी। राइट, फिर उसके बाद जैसे ही इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिलेगा तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, रिएक्ट फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन हो गया। राइट, उसके बाद क्या होना था, रीअरेंजमेंट, बट यहाँ पे तो चांस नहीं है, तो चांस नहीं है, तो नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एक और बन रही है, जो पीक्स है वो तो ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रही है, जो ये है वो किसको शो कर रही है, आपके इंटरमीडिएट को। राइट, तो सेकंड जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगी, जब ये कार्बोकेटायन आपके वाटर के साथ अटैक करे, तो जब कार्बन और वाटर के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा वो वाली ट्रांजिशन स्टेट होगी आपकी ये। राइट, और बॉन्ड बन के जब कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ आया?
कई बार ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हमें रिएक्शन दी होती है या हमें रिएक्शन पता होती है जो सडन रिएक्शन होती है, फिर हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इंटरमीडिएट को ग्राफ को एनर्जी को कर दो डाउन और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उसको कर दो हाई, जनरली यही होता है। राइट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। राइट, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बोल रही है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, सबको पता है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है दैट मींस वो sp2 हाइब्रिड है क्या? राइट, अगर वो sp2 हाइब्रिड है तो वो क्या है, प्लेनर। और अगर वो प्लेनर है, ये इस तरह से प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, सेम डायरेक्शन से भी आ सकता है, अपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकता है। टुवर्ड्स द व्यूअर भी आएगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर आएगा, इसी से तो डिसाइड होगी इस रिएक्शन की क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट वो भी अपन देख लेते हैं, कैसे दिखेगा हमें। देखो एग्जांपल से समझाते हैं आपको, ये आपका था सब्सट्रेट, समझ आ रहा है ना आपको, अपन आराम से चल रहे हैं। ये आपका सब्सट्रेट है, तो सबसे पहले तो RDS स्टेप में क्या होगा, हेलोजन बाहर निकलेगा, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। राइट, अब इस इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, तो इस प्लेनर इंटरमीडिएट पे टुवर्ड्स द व्यूअर भी आएगा और अवे फ्रॉम द व्यूअर भी आएगा, दोनों साइड से अटैक हो जाएगा। राइट, अगर दोनों साइड से अटैक हो जाएगा तो प्रोडक्ट दोनों टाइप का बनना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा देखते हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल देखो टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है और एक में न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो एक स्ट्रक्चर में तो हुआ है रिटेंशन। रिटेंशन क्यों बोला, कि जिस मतलब जहाँ वेज पे ऑलरेडी लिविंग ग्रुप था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, सेम स्टीरियो रही, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और सेकंड वाले में न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है तो उसको क्या बोला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आया है तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। क्या बोला जाता है उसको, इन्वर्जन बोला जाता है। राइट, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स द व्यूअर आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर की भी है, टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर की इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो बोला जाता है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रहा है। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया और वो काइरल सेंटर है आपका, तो जो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे इन दोनों में अगर हमसे रिलेशन पूछा जाए तो दोनों क्या है, एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर का इक्वल इक्वल अमाउंट अगर प्रोडक्ट में बन जाएगा तो फाइनली प्रोडक्ट का रेसेमिक मिक्सचर ही मिल जाएगा आपको। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन। बट प्रैक्टिकली जब देखा जाता है रिएक्शन में तो 100% रेसिमाइजेशन कभी भी नहीं होता। तो हमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन प्रेजेंट होता है। अगर ऑप्शन में रेसिमाइजेशन नहीं हो तो पार्शियल रेसिमाइजेशन को आप टिक कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही ऑब्जर्व होता है कि यहाँ पे जो रिटेंशन के कंपैरिजन में इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन जाता है। तो 50-50% वैल्यू नहीं रहती, कुछ अमाउंट में रेसेमिक मिक्सचर में मिलता है, इसलिए क्या बोला जाता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन। एनी डाउट, न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द व्यूअर अवे फ्रॉम द व्यूअर, रिटेंशन भी इन्वर्जन भी, रेसिमाइजेशन बोलना है बट परफेक्ट नहीं है इसलिए इसको क्या बोलना है, पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्लियर है चीज़ें, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। SN1 क्लियर है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1। कौन से ऐसे फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। हम इंक्रीज की बात करेंगे, डिक्रीज का हमें तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो देखो, नेचर ऑफ सब्सट्रेट पे नंबर वन हम डिस्कस करने वाले हैं। जो रेट फॉलो होती है नेचर ऑफ सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसे होती है, मिथाइल हैलाइड की सबसे कम, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, देखो जब रिएक्शन हो रही है तो हेलोजन तो बाहर निकल रहे हैं और हेलोजन के बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है। राइट,
अगर कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे डिपेंड होती है। किस पे? स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। जो सबस्ट्रेट ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो सबस्ट्रेट ही आपका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री आपका होगा एल्काइल हैलाइड, वो कंपैरेटिवली 2 डिग्री के ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से रेट ऑफ SN1 3 डिग्री की क्या होती है, सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे मिनिमम किसकी हो जाती है, मिथाइल हैलाइड की हो जाती है, राइट। कोई डाउट नहीं है, चलो। तो मेन फोकस किस पे है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होना चाहिए, तभी रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो आपसे ऑर्डर पूछ लिया इन दोनों सबस्ट्रेट में, 1 और 2 में, कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के टूवर्ड्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सामने दिख गया आपको एक्चुअली कि 2 greater than 1 ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे जब ब्रोमीन जाएगा तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल होगा रेजोनेंस से, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। अगर वो रेजोनेंस कर सकता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में हमें क्लियर होगा हो गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ज़्यादा होती है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप है कौन, जो हेलोजन आपका रिमूव हो रहा था वो, राइट। और इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लीविंग ग्रुप एबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। जितना जल्दी, क्योंकि RDS स्टेप में दो चीज़ें हो रही है, एक तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, दूसरा लीविंग ग्रुप भी निकल रहा है। तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के। और लीविंग ग्रुप एबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी बेसिसिटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम ये बोल सकते हैं वीक बेस आर द गुड लीविंग ग्रुप। जितना वीक आपका बेस होगा उतना ही उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे हम कंपैरिजन कर लें FCl, Br और I को, तो I की तरफ जैसे हम मूव कर रहे हैं बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। I की जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, कम। ये चेक किए कैसे किया जाता है आपको बताऊं मैं, HI, HBr इन दोनों को कंपेयर करके बताती हूँ मैं। HI और HBr जब अपना H+ रिमूव करेंगे तो I- एंड Br- दोनों बनाएंगे, राइट। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द कॉन्जुगेट बेस इज वीक, राइट। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा तो क्या होता है कि जो HI आपका होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, HBr। इसका मतलब जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है I- वो वीक बेस होगा, क्या होगा, वीक बेस होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं FCl, Br और I की तरफ मूव करेंगे तो बेसिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर बेसिसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब I- आपका सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ I प्रेजेंट होगा वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। समझ आया आपको अच्छे से कैसे रिलेट करना है। चलो सॉल्वेंट इफेक्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा बड़ा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।